राजस्थान का इलाका चंबल से लगता है और कहते हैं कि चंबल में जितना पानी है उतनी ही पूर्वी राजस्थान की चुनावी कहानी है। चंबल के पानी की जितनी गहराई है और बलखाती चंबल जैसी ही टेढ़ी मेढ़ी है। बीजेपी सवाई माधोपुर में 2 दिन का मंथन कर रही है ताकि राजस्थान में और खासकर इन इलाकों में कांग्रेस की मजबूती की काट खोज सके। दरअसल 2018 में पूर्वी राजस्थान में बीजेपी को मिली 4 सीटों ने बीजेपी को प्रदेश भर में जीती सीटों से बहुत पीछे कर दिया। कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी की मौजूदगी ने पूर्वी राजस्थान में बीजेपी के जमे जमाए समीकरण बिगाड़ दिए थे। उससे उलट कांग्रेस के लिए विनिंग बूस्टर का काम कर गए। गहलोत सरकार ने पूर्वी राजस्थान से ही इस बार सबसे ज्यादा मंत्री बनाए हैं। वहीं बीजेपी को भी अपनी सभाओं में चेहरों पर चमक वाली भीड़ की गारंटी मिलती है, इसलिए पूर्वी राजस्थान के नेताओं का बोलबाला है। पूर्वी राजस्थान में कुल 7 जिले हैं और इन जिलों में MBC और मीणा समाज का ज्यादा प्रभाव है। पूर्वी राजस्थान के बेल्ट में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, टोंक, सवाईमाधोपुर और दौसा जिले आते हैं। इन जिलों में कुल 39 विधानसभा सीटें हैं। यहां हर बार पर बदलाव हो जाता है। वहीं अगर आंकड़ों में देखा जाए तो साल 2013 के विधानसभा चुनाव में यहां बीजेपी को 28 सीटें मिली थी, वहीं कांग्रेस को 7, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की पार्टी NPP को 3 और 1 सीट बसपा को मिली थी। लेकिन साल 2018 के विधानसभा चुनाव में पूरा खेल पलट गया। यहां 2018 में कांग्रेस को 25, बसपा को 5, निर्दलीयों को 4, RLD को 1 सीट और बीजेपी को महज 4 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। यहीं पर MBC और मीणा वोटर्स के मूड को भापना बेहद कठिन हो जाता है। पूर्वी राजस्थान में जिन सीटों पर मोस्ट बैकवर्ड कास्ट के 30,000 से अधिक वोटर्स हैं, उन सीटों पर बेहद बदलाव आता रहा है। MBC में गुजर, गडरिया, रेवारी, रायका, गड़िया, लोहार, देवासी और बंजारा जाति के लोग आते हैं। MBC समाज की लड़ाई लड़ रहे विजय बैसला की माने तो दौसा के बांदीकुई में MBC समाज के कुल 39,000 वोटर्स हैं और इसी तरह दौसा जिले की सभी सीटों पर MBC समाज के 30,000 से 38,000 के बीच वोटर्स हैं। भरतपुर जिले के बयाना में 58,000 से अधिक MBC समाज के वोटर्स हैं और साथ ही भरतपुर की सभी सीटों पर 30,000 से अधिक MBC समाज के मतदाता हैं। वहीं करौली जिले की बरी पर सबसे अधिक 39,000 वोट MBC समाज के हैं। यही नहीं, करौली जिले की सभी सीटों पर MBC समाज के मतदाताओं की संख्या 30,000 से 50,000 के बीच है। टोंक, सवाईमाधोपुर और बावनबास में MBC समाज के कुल 40,000 वोटर्स हैं। बाकी सीटों पर भी इनकी संख्या 30,000 से 40,000 के बीच है। इसी तरह से अलवर की कई सीटों पर भी समाज का बड़ा प्रभाव है। पूर्वी राजस्थान की सीटों का मतलब कांग्रेस अच्छे से समझती है, इसलिए सचिन पायलट को फिर से साधा गया है। इसलिए ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो का रास्ता यहीं से रखा गया और इसीलिए ही मुख्यमंत्री ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर आक्रामक है। वो एक तरह केंद्र को कोसते हैं तो दूसरी ओर दावा करते हैं कि राज्य सरकार अपने दम पर इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगी। पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी इलाकों को जोड़ दे कि इन हिस्सों में राजस्थान की 50 से ज्यादा सीटें और 3 करोड़ से ज्यादा लोगों के सियासी अलाइनमेंट फिक्स हो जाते हैं, इसलिए पूर्वी राजस्थान की पॉलिटिकल पल्स पर बीजेपी नजरें गड़ाए बैठी है।